कहीं दरारें, कहीं मलबा, कहीं तबाही और कहीं दहशत। इस बारिश ने पहाड़ों पर इन दिनों तांडव मचाया हुआ है। अगस्त का ये महीना तो मानो सिर्फ तबाही मचाने के लिए आया है। लगातार बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये तस्वीरें यमकेश्वर ब्लॉक की हैं, जहां लगातार तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें 8 अगस्त की हैं। यमकेश्वर ब्लॉक में बादल फटने के बाद अलग अलग इलाकों में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़कों में दरारें आ चुकी है, खेतों में मलबा भर गया है, लोग घर के अंदर रहने में डरने लगे हैं। मलबे ने पेयजल लाइन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आसमान से आफत बनकर बरस रही ये बारिश अब तांडव मचाने लगी है। यमकेश्वर ब्लॉक के डांडा मंडल क्षेत्र के ग्राम देवराना में भारी बारिश के बाद भारी नुकसान हो गया है। आवासीय मकान बुरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निरीक्षण करने के लिए कई मुश्किलों को पार करना पड़ा है। आपको बता दें कि ताल घाटी और कांडी गांव में 4 गौशालाएं ढह चुकी हैं, जिनमें बकरी और मुर्गियों की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी ने आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन भी दिया। वहाँ पे जो यमकेश्वर के लॉसेज हैं, उसमें मेनली अभी जो है एक देवराना नाम की जगह पर लैंडस्लाइड जोन बनी है। भैरागढ़ में भी गांव में जो पानी जाने जैसी स्थितियाँ थी, तो उसको भी हम लोगों ने एड्रेस किया और एक जगह गौशाला और कुछ पशुओं की क्षति है। इस बार मानसून सीजन ने पहाड़ों पर बुरी तरह तबाही मचाई है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानों तक बारिश का तांडव देखने को मिला है। जहां पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। खेत खलियानों से लेकर सड़कों तक तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। घरों के आगे रखे पुस्ते भी उजड़ चुके हैं। बारिश ने यमकेश्वर ब्लॉक में कुछ ज्यादा ही तबाही मचा दी है। वहीं कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर भी खतरनाक मलबा आने से हाईवे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों का जनजीवन इन दिनों अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अब कब तक ये आसमानी आफत रुकेगी, ये देखना होगा। कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।